कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव और राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री पद का फैसला, आज दोनों मसलों के लिए आज का दिन निर्णायक हो सकता है। राजस्थान में सीएम पद पर शुरू हुए विवाद के बाद अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर माने जा रहे थे, लेकिन मंगलवार रात से फिर उनकी चर्चा शुरू हो गई है। टाटा मोटर्स ने आज अपनी लोकप्रिय हैचबैक टाटा टियागो का ईवी वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 8,50,000 रुपए है। ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इस ईवी में सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसकी बुकिंग 10 अक्टूबर 2022 से और डिलीवरी जनवरी 2023 से होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। PFI के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत लिया है। सरकार ने कहा PFI और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियाँ देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नया घाट बंदा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण बुधवार को सीएम योगी ने किया। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी उपस्थित थे। इंदौर में रहने वाली एक बुजुर्ग माँ की उम्र करीब 100 साल है। 60 साल का इकलौता बेटा है। बेटे ने अपनी माँ को सड़क पर लावारिस छोड़ दिया। माँ से चलते नहीं बना तो घसीट कर फुटपाथ पर लाया, उससे कपड़े और बिछौना फेंक कर चला गया। बेटे ने माँ के साथ जो हरकत की उसका वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई है। राहगीरों ने तड़पती वृद्धा को देखकर पुलिस को जानकारी दी। राजस्थान में गोवंश के लिए काल बनकर आया लंपी वायरस अब हिरणों में फैल रहा है। पिछले 1.5 महीने में इस बीमारी से 35 हिरण संक्रमित हुए, जिसमें से 25 की मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद से पशुपालन विभाग में खलबली मच गई है। आनंद फानंद में मौके पर टीम भेजी गई है, सैंपल लिए जा रहे हैं। अयोध्या की रामलीला में मंगलवार को भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म होते ही पूरे अयोध्या में उल्लास छा गया और बधाइयां गूंजने लगी। इस दिन रामलीला में ताड़ का वध का भी भव्य मंचन हुआ। जन्म लिहीन रघुरैया अवध माँ बाजे बधाइया की बधाई गीत और संगीत हृदय को छूने वाले रहे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगने के बाद कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विवादित बयान दिया है। सुरेश ने मांग की है कि PFI की तरह RSS पर भी बैन लगाया जाए। सुरेश ने आगे कहा संघ भी पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है, जो PFI की तरह ही है, इसलिए इसे भी बैन करो। सलमान ने बिग बॉस 16 के लिए 1,000 करोड़ रुपए फीस मिलने की खबरों को खारिज कर दिया। यह सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होगा। अगस्त से यह खबरें आ रही थी कि वे 1,000 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। मंगलवार की रात इस शो के लॉन्च इवेंट में सलमान ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनको इस सीजन में इतने पैसे मिले तो वह लाइफ में कभी काम नहीं करेंगे। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20 सीरीज खेलेगी। पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये सीरीज भारत के लिए कई मायनों में अहम होने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीम इंडिया अपनी धरती पर कभी भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज नहीं जीत पाई है।